आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कच्चे आम की सब्जी। ये बहुत ही टेस्टी और चटपटी बनती है। ये एक ऐसी सब्जी है जो गर्मियों में बच्चे हो या बड़े, सबको ये बहुत पसंद आती है। खासकर बच्चे इसे पराठे के साथ बहुत ही प्यार से खा लेते हैं और ये बहुत ही हेल्दी भी होता है। तो इतना हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बनाने के लिए देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रीतम और आपका स्वागत है प्रीतम्स किचन में। तो आम की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ 7 कच्चा आम लिया है। ये वजन में लगभग 800 ग्राम आम है। मैंने इसे अच्छे से धोकर इसका छिलका उतार लिया है। अब हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी चटनी बनाएं, मुरब्बा बनाएं या इसे किसी भी तरह से खाएं, पर इसे ज़रूर खाएं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और एक बात और, ये एक सीजनल फल है, तो सीजनल फल या सब्जी तो वैसे भी हमें खाना चाहिए। सीजनल जितनी भी फल या सब्जियां होती हैं सभी बहुत हेल्दी होती हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे क्यूब शेप में काट लिया है। अब हम चलते हैं इसकी सब्जी बनाते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई लिया है। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। उसके बाद हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। सूखे मसाले में मैंने यहाँ आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ और 2 लाल सूखी मिर्च लिया है। ये भी हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। मसाले डालने वक्त फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी। धीमी आंच पर हम मसाले को लगभग 15 से 20 सेकेंड के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे भी मिला लेंगे। उसके बाद हमने जो कच्चा आम को कट करके रखा था उसे भी हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम मसाले के साथ आम को लगभग 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। अब ये देखिए, 3 मिनट भूनने के बाद हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए इसे लगभग 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फ्राई करते समय हमें फ्लेम को मीडियम रखना है। और ये देखिए, लगभग 5 मिनट के बाद हम इसमें 2 कटोरी, इस कटोरी से चीनी डालेंगे। ये वजन में लगभग 250 ग्राम चीनी है। अब इसे भी हम मिला लेंगे। आप इसमें सारे मसाले, नमक, चीनी, सभी चीज़ों को अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। अगर आपको तीखा कम खाना हो या नहीं खाना हो तो लाल मिर्च पाउडर की जगह आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। वो बिल्कुल तीखा नहीं होता है, लेकिन उससे कलर काफ़ी अच्छा आ जाएगा। और ये देखिए, लगभग 2 से 3 मिनट के बाद ही चीनी पिघलना शुरू हो गया है। तो अब हम यहाँ लगभग 1 ग्लास पानी डालेंगे और इसे ढक कर लगभग 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। और लगभग 4 मिनट के बाद ये देखिए, हमारी आम की सब्जी बिल्कुल तैयार है। हमें इसे इतना ही पकाना है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने अच्छे से पक चुके हैं, ये कितना सॉफ्ट हो चुका है। और इसकी ग्रेवी आप अपनी पसंद से रख सकते हैं। तो अब ये बिल्कुल तैयार है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे सर्व कर लिया है। फ्रेंड्स, ये बहुत टेस्टी और चटपटी बनी है। तो इस गर्मी के मौसम में आप भी इसे बनाइए और अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना अनुभव कमेंट में ज़रूर लिखें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको मेरी आगे की वीडियोज़ देखनी है तो बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।